नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में हनुमान और आजान को लेकर बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, उसके बाद से अब तमाम राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लाउडस्पीकर पर फैसला सुनाया और कहा कि लाउडस्पीकर जरूर लगाएं, लेकिन ये ख्याल रखें कि जो धार्मिक स्थल है उसके बाहर माइक की आवाज नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद लग रहा था कि इसका विरोध उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन विरोध बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस फैसले का स्वागत करते हैं। शिया और सुन्नी दोनों धर्मगुरुओं ने इसको पूरी तरीके से स्वीकार किया और उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से प्रदेश की सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए हम इस फैसले पर पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से ये देखा जाता है कि देश के किसी भी हिस्से में दंगा हो, हिंसा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होते हैं। और उसी का एक नमूना फिर से सामने है कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई हनुमान और आजान को लेकर, और अब उत्तर प्रदेश में उसी को लेकर जब अलर्ट जारी हुआ और योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया कि लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर तक नहीं जानी चाहिए, ये सभी धर्म के लिए फैसला लिया गया है, कोई एक धर्म के लिए नहीं, आपको बता दें। और इसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, जिसके बाद धर्मगुरुओं ने इसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से इस फैसले को मानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया है उसका मुकम्मल तौर से समर्थन करते हैं, क्योंकि उस बयान में जो बातें कही गई हैं उसमें सबसे बड़ी एक बात जो कही गई है वो ये है कि सारे धर्मों के लिए बात की गई है, किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। जिस तरीके से बहुत से लोग सिर्फ एक मज़हब को टारगेट किया करते हैं और एक मज़हब की बात करते हैं, उन्होंने जो तीन मोटी मोटी बातें कही हैं और जो सामने आई हैं, नंबर एक बात ये उन्होंने कहा कोई भी धर्म में जुलूस जो है नया नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, किसी भी धर्म वाले को नहीं मिलेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई कोई भी हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो लाउड स्पीकर हैं उन लाउड स्पीकर के ऊपर जो आवाज़ें हैं वो इतनी रहेंगी कि जो वो ग्राउंड के अंदर तक सीमित रहें। तो इसमें अगर मस्जिद के लिए ये पाबंदी है तो मंदिर के लिए और गिरजाघर के लिए सबके लिए पाबंदी आयज होगी।